वेलकम टू अवर चैनल इंजीनियर्स चॉइस ट्यूटर। CNTL की सीरीज में आज हम पढ़ेंगे इमेज इम्पीडेंसेस के बारे में। तो देखिए, दो टाइप के नेटवर्क होते हैं, सिमेट्रिकल नेटवर्क एंड असिमेट्रिकल नेटवर्क। सिमेट्रिकल नेटवर्क की प्रॉपर्टी क्या होती है? इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी, करेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस एंड प्रोपोगेशन कॉन्स्टेंट। और जब बात हम असिमेट्रिकल नेटवर्क की करें तो थ्री प्रॉपर्टीज होती हैं। पहली होती है इटरेटिव इम्पीडेंस, दूसरी होती है इमेज इम्पीडेंसेस, और तीसरी प्रॉपर्टी क्या होती है? इमेज ट्रांसफर कांस्टेंट। तो आज हम पढ़ेंगे इमेज इम्पीडेंसेस के बारे में। इमेज इम्पीडेंसेस क्या होता है, ठीक है? ये क्या है? एक असिमेट्रिकल नेटवर्क की प्रॉपर्टी है, ठीक है? तो मान लीजिए हमारे पास ये एक असिमेट्रिकल टू पोर्ट नेटवर्क है, ओके? असिमेट्रिकल टू पोर्ट नेटवर्क है, ये रहा सेकंड पोर्ट और ये रहा फर्स्ट पोर्ट, ठीक है? और हमने इसको टर्मिनेट किया लोड जेड आई टू से, ठीक है? उस समय हमारा पोर्ट वन पे इम्पीडेंस क्या मिला? जेड आई वन, ओके, ठीक है। हमने एक दूसरा असिमेट्रिकल नेटवर्क लिया, ये दोनों टू पोर्ट नेटवर्क है। इस समय मैंने क्या किया कि पोर्ट वन को टर्मिनेट कर दिया विथ अ लोड जेड आई वन, ओके। तो इस समय मुझे पोर्ट टू पे क्या मिला? इम्पीडेंस जेड आई टू, ठीक है। सो अब इन दोनों में देखिए, जब मैं जेड आई टू से टर्मिनेट कर रहा हूं मुझे जेड आई वन मिल रहा है, और जब मैं जेड आई वन से टर्मिनेट कर रहा हूं तो मुझे क्या मिल रहा है? जेड आई टू मिल रहा है। तो यहां से आप क्या कह सकते हैं कि जेड आई वन एंड जेड आई टू क्या है? दोनों इमेज इम्पीडेंसेस, इमेज इम्पीडेंसेस, ओके। जिस तरीके से हमने देखा था इटरेटिव इम्पीडेंस के समय, इटरेटिव इम्पीडेंस जब हम निकाल रहे थे, इटरेटिव इम्पीडेंस, तो हमने देखा था कि हर एक पोर्ट का एक डिफरेंट इटरेटिव इम्पीडेंस होता है। जैसे हमने देखा था, क्या निकाला था हमने? जेड नॉट वन डैश, ये कौन से पोर्ट का था? फर्स्ट पोर्ट का। जेड नॉट टू डैश, ये कौन से पोर्ट का इटरेटिव इम्पीडेंस था? सेकेंड पोर्ट का। उसी तरीके से इमेज इम्पीडेंस भी हर एक पोर्ट का डिफरेंट होता है। जैसे देखिए, जेड आई वन, ये किसका इमेज इम्पीडेंस है? पोर्ट वन का। क्या है ये? पोर्ट वन का इमेज इम्पीडेंस है। उसी प्रकार जेड आई टू क्या है? सेकेंड पोर्ट का इमेज इम्पीडेंस है, ठीक है। आई होप क्लियर हुआ इमेज इम्पीडेंस क्या होता है। ऐसे फिगर से ही समझ में आ रहा है, जब मैं जेड आई टू से टर्मिनेट कर रहा हूं तो मुझे पोर्ट वन पे इनपुट क्या मिल रहा है? जेड आई वन, ओके। और जब मैं जेड आई वन से टर्मिनेट कर रहा हूं तो मुझे पोर्ट टू पे इम्पीडेंस क्या मिल रहा है? जेड आई टू, ओके। समझ में आया? सो ये क्या था? इनपुट, क्या बोलते हैं, इमेज इम्पीडेंस के बारे में, ठीक है। जब मैं जेड आई टू से टर्मिनेट कर रहा हूं तो मुझे यहां पे फर्स्ट पोर्ट पे इम्पीडेंस क्या मिल रहा है? जेड आई वन। और जब मैं फर्स्ट पोर्ट को जेड आई वन से टर्मिनेट कर रहा हूं तो मुझे सेकेंड पोर्ट पे इम्पीडेंस क्या मिल रहा है? जेड आई टू। इसका मतलब यहां पे क्या मिला मुझे कि जेड आई वन एंड जेड आई टू दोनों क्या है? इमेज इम्पीडेंसेस है, ठीक है। आगे बढ़ता हूं। आगे देखिए, When an asymmetrical network is terminated in image impedances at both the port of the network is called correctly terminated asymmetrical network. ये मान लीजिए, ये हमारे पास क्या है? एक asymmetrical network है, asymmetrical network, okay? ये है port 2 और ये है port 1, ठीक है। port 2 को मैंने terminate कर दिया image impedance, पोर्ट टू का इमेज इम्पीडेंस क्या था? जेड आई टू, तो जेड आई टू से टर्मिनेट कर दिया।
अब पोर्ट वन का इमेज इम्पीडेंस क्या था, जेड आई वन, तो इसको जेड आई वन से टर्मिनेट कर दिया, यहां से वोल्टेज दिया ई, ठीक है ओके। तो पोर्ट वन पे इमेज इम्पीडेंस क्या था, जेड आई वन, और पोर्ट टू पे इमेज इम्पीडेंस क्या था, जेड आई टू, ठीक है। पोर्ट वन के अक्रॉस वोल्टेज मान लीजिए आपका है ई वन, और पोर्ट टू के अक्रॉस आपका वोल्टेज है मान लीजिए ई टू, ठीक है। करंट जा रही है यहां पे पोर्ट वन के थ्रू आई वन मान लीजिए, और करंट लीव कर रही है पोर्ट टू के थ्रू, उसको मान लीजिए आई टू, ठीक है। तो ये एक क्या है अपना, करेक्टली टर्मिनेटेड, या बोलिए प्रॉपरली टर्मिनेटेड, करेक्टली टर्मिनेटेड एसिमेट्रिकल असिमेट्रिकल नेटवर्क है, ठीक है। कब हम बोलेंगे कि असिमेट्रिकल नेटवर्क करेक्टली टर्मिनेटेड है, जब उसका दोनों पोर्ट किससे टर्मिनेट किया गया हो, उसके इमेज इम्पीडेंसेस से टर्मिनेट किया गया हो, ठीक है। ये दिख रहा है आपको पोर्ट टू, पोर्ट टू पे इमेज इम्पीडेंस क्या होता है, जेड आई टू, उसी से इसको टर्मिनेट भी किया गया है, दिख रहा है। और पोर्ट वन पे क्या होता है इमेज इम्पीडेंस, जेड आई वन, तो जेड आई वन से ही इसको भी टर्मिनेट किया गया है, दिख रहा है आपको यहां पे। सो वही चीज यहां पे लिखी है, व्हेन असिमेट्रिकल नेटवर्क इज टर्मिनेटेड इन इमेज इम्पीडेंसेस एट बोथ द पोर्ट ऑफ द नेटवर्क इज कॉल्ड करेक्टली टर्मिनेटेड असिमेट्रिकल नेटवर्क। सो दिस इज ऑल अबाउट इमेज इम्पीडेंसेस। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन टू गेट द फर्दर नोटिफिकेशन रिगार्डिंग द अपकमिंग वीडियोस ऑफ सीएनटीएल।